कि मेरा निकनेम बब्बू है और इनका गोशा क्या बात है, बब्बू एंड गोशे की जोड़ी, वो बोलते फ्रूट बन गया है कि बब्बू गोशा, बब्बू गोशा दिन रात एक करते फोन नंबर है ना गोशा भैया के सबके पास, सबके पास फिर कॉल कर लेना, बहुत खुश होते हैं बहुत, इसके हम वो कर नहीं सकते काम ना, कितने खुश होते वो। फिर ये बड़ों को आशीर्वाद के साथ है जो चले गए ना, पापा हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, उनका सबका आशीर्वाद है इसको। उसमें मैं मिस्टर उधमपुर जो हुआ था कंपटीशन सेकंड प्लेस में आया था। क्या बात कर रहे हो सो गोशा भैया मिस्टर उधमपुर भी है, बॉडी बिल्डर भी है और नेता भी है और सोशल वर्कर भी है, क्या बात है ना कि माँ जो होती है वो माँ ही होती है, तो अपनी कहते दवाई भूल के पहले दवाई लेकर जा, कौन ठीक है कल बोल जाएंगे, यहाँ एक पैंथर के भेड़िए इकट्ठे हुए हैं है ना, मगोत्रा जी वो कह रहे हैं कि जब मैं उधर 75 करोड़ रुपया लगा रहा था जे माँ के पेट में नहीं थे, सब बच्चे गड्डियां फसनी रही असें घरा दा आखिया कनाल बगैरा नहीं है, धक्के लाई लाई है असें फटे लाई लाई है, फिर उस वे इतों का गड्डिया बच्चे कढ़ाइया। सही में बताऊं इसी चीज का डर मुझे सताया जा रहा, मेरा अगर चेहरे पे कुछ कभी लगता है नहीं घबराहट, वो उसी चीज की है कि नमस्ते नीता जी के आज के एपिसोड में मैं आपको गोशा भैया से मिलवाने वाला हूँ। हाँ, अब नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं किसी अपने यार से मिलवाने वाला हूँ, नहीं मैं अपने यार से नहीं, मैं उधमपुर के यार से मिलवाने वाला हूँ, कांग्रेस के उधमपुर वेस्ट से प्रत्याशी सुमित मंगोत्रा, जिनको गोशा भैया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, कहते हैं कि वो यारों के यार है। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कांग्रेस के किसी प्रत्याशी का या उम्मीदवार का डे आउट नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा आज उधमपुर में है ही तो उनका डे आउट कर लेते हैं। तो सुमित मंगोत्रा जी के घर के बाहर ही हूँ मैं अभी, तो चलो चलते हैं सुमित मंगोत्रा जी से मिलते हैं, देखते हैं कि आज वो दिन भर क्या करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है आज। कम हेलो बेटी कैसे हो? बस ठीक। सुमित जी कहाँ हैं? ऊपर हैं। आप कौन हो उनके? मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी हो, क्या बात है। हेलो हेलो, कहाँ ले चलो मुझे? जी तो ये है रूम सर का। तो सुमित जी फोन पे लगे हुए सुबह सुबह, लगता है बहुत ज़्यादा बिजी, बट हम तो आज दिन गुजारने वाले इनके साथ, इनको पता है कि हम आने वाले हैं। तो हेलो सुमित जी कैसे हो? ऑल गुड। ये माइक लगा लेते हैं आपको पहले। सर मैं पाँच मिनट में करता हूँ आपको कॉल बैक, पाँच मिनट में करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, पाँच मिनट में। तो ये सुबह सवेरे फोन कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताए सुबह सवेरे फोन पे बिजी? आप देख ही रहे हो अभी इलेक्शन का दौर है। हाँ हाँ, पाँच मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, पाँच मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ सर, पाँच मिनट में कॉल बैक करता हूँ। सुबह सवेरे कैसे शुरुआत होती है आपके फोन कॉल अटेंड करने से? आप क्या करें अभी इलेक्शन का दौर है, 5 बजे उठ जाता हूँ, फोन कॉल्स मुझे लग रहा है कि पूरे दिन में इतने फोन कॉल्स आते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सबको कॉल वापस करूँ, लेकिन चाह के भी फोन कॉल्स पूरे सबको वापस नहीं हो पा रहे, और सुबह उठते ये कोशिश करता हूँ कि जितनी कॉल्स रिसीव हो सके जितनी वापस कर सकूँ उसी में लगाऊं। क्या बात है। और चलो फिलहाल फोन पे फोन आ रहे हैं, बट जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि गोशा भैया ऑफ उधमपुर यारों के यार हो आप, तो ये गोशा भैया कैसे, मतलब क्या घर का नाम था आपका या? देखिए मेरा नाम तो सुमित मंगोत्रा है। हाँ हाँ, लेकिन स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम की बात करूँ तो जो फेमस नाम है मुझे स्कूल कॉलेज में या पूरे अपने इलाके में निकने मेरा गोशा है। तो जैसे आपने बोला कि बड़े मुझे गोशा और छोटे गोशा भैया करके नाम फेमस हो गया। तो अभी सारे गोशा भैया ही बुला, ज्यादा गोशा भैया ही बुला रहे हैं। क्या बात, चुनाव में भी गोशा भैया ही लग जाए, चुनाव में गोशा भैया जाएगा, हमारा नेता कैसा हो गोशा भैया जैसा हो चाहिए। तो अभी आज के दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं? बस आज के मैं अभी तैयार होके ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद चुनाव का जो प्रचार है वो शुरू है, जो भी लोगों से टाइम लिए हैं, मीटिंग्स हैं, एक दो जगह सुख दुख में भी शामिल होने हैं, तो उसके बाद पूरा दिन जैसे जैसे शेड्यूल बना है तो चुनावी प्रचार में पूरा। सुमित जी आप पहली बार एमएलए के इलेक्शन लड़ रहे हो ना जी, तो पहले मुझे पता कि देखा भी है कि आप इससे पहले सोशल वर्क भी करते थे, कोरोना के टाइम पे भी काफ़ी देखा आपकी वीडियोस वगैरह, तो फाइनली एक वो मोमेंट आया है कि आपको एक वो ओहदा मिलने वाला है या फिर आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, तो कैसा मतलब जेन्युइन एक फीलिंग क्या है? देखिए सही में बताऊँ ना, हाँ मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मुझे भी टिकट मिलेगी, मुझे भी टिकट मिलेगी, क्योंकि समाज सेवा करने का मुझे बचपन से ही शौक था, चाहे मैं स्कूल कॉलेज का टाइम था, उसके बाद जब कॉलेज लाइफ से बाहर आए तो मोहल्ले में छोटे छोटे काम हो,
लोगों की कोई सेवा हो, कोई हॉस्पिटल, कोई बीमार है, कोई किसी की परेशानी है, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं उनके साथ चलूं। तो उसके बाद नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जो चुनाव हुए म्यूनसिपैलिटी के, तो मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पे खड़ा किया चुनावों में, और पूरा जिला में हाईएस्ट वोट मुझे मिला। आपको मिला, क्या बात, पूरा जिला में, और मोहल्ले वालों ने इतना आशीर्वाद दिया। गोशा भी ऐसे प्यार है सबको। और मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, जब चुनाव आए तो मेरी वाइफ जब प्रचार करने गए, लोगों के घरों में जाए, तो लोग मुझे बताते थे, मेरी मैडम मुझे बताती थी कि लोग कहते थे आपको आने की जरूरत नहीं है, हमने वोट गोशे को ही देने वोट गोशे को ही देने, आपको आने की जरूरत नहीं है, गोशे को ही वोट देने। तो उसके बाद इतना वोट मिला, फिर मुझे लगा कि नहीं, लोगों को जो मैंने समाज सेवा में मैंने जो टाइम निकाला है, उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं, चुनावों में भी इसको वोट देने चाहिए, ये काम आएगा। अभी इनको ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि दिन भर कार्यक्रम भी बड़े हैं, तो चलें फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और सूरज जी, माता जी हैं यहाँ पे, अच्छा हमसे मिलकर फिर मुझे निकलना है प्रचार के लिए। ठीक है जी। तो ये माता जी हैं आपकी, नमस्ते, कैसे हो आप? तो आपका बेटा आपने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आज MLA की इलेक्शन लड़ने जा रहा है, कैसा लग रहा है? इसका शौक था, इसको बहुत मेहनत की है इसने, यही बोल दूंगी इसकी इसकी जो मेहनत है, इसकी इसको कामयाबी मिले, और अच्छी लीड लेकर ये दिखाए लोगों को कि कैसे काम किए, कैसे नहीं किए, शुरू से करता आया, बचपन से पॉलिटिक्स, बचपन से कॉलेज जैसे इसने ज्वाइन किया, कॉलेज के बाद ये शुरू हो गया इसी लाइन में, तो इसका शौक था, जब से ये बड़ा हुआ तब से ये काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, लेकिन अब इसको ये शौक था कि कहीं आपने रोका नहीं बीच में कहीं कि कहाँ पड़ गया क्या कर रहा है? नहीं नहीं, रोका था, इसका शौक था, कि इसके पापा ने यही बोला कि इसका शौक है, इसको करने दो, जिस लाइन में ये लगा है इसे लगने दो, इसको इसका शौक है, भगवान इसकी पुकार सुनी है, तो यही मैं दुआ देती हूँ इसको कि भगवान इसको अपनी इतनी आशीर्वाद देना, लोगों के आशीर्वाद मिले, और सबके सहयोग से ये अच्छी रील लेकर ये कामयाब हुए। पापा जी थे वो भी यही चाहते हैं? नहीं, पापा जी बेचारे वो नहीं, वो तो बोलते हैं पढ़ो लिखो सर्विस करो, फिर इसका बोलते हैं इसको क्या मना करना है, इसका शौक है, करने तो जो करता है, इसकी लाइन में जो लगा है इस लाइन में, इसको कभी ना कभी जीत मिलेगी ना, आए भगवान ने सुन ली इसकी पुकार, बाकी लोगों का सहयोग से जो जी जो पिताजी हैं वो पिताजी मेरे 2004 में एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो आज मतलब आप फाइनली वो इलेक्शन लड़ने वाले हो, तो आपको लगता है अगर आपके पिताजी होते तो कैसा लगता? हम बड़े खुश होते, बहुत खुश होते, बहुत इसके हम वो करने से काम ना, कितने खुश होते वो, फिर ये बड़ों को आशीर्वाद के साथ है, जो चले गए हैं ना, पापा हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, उनका सबका आशीर्वाद इसको। पापा जी ऊपर से देख रहे हैं, उनको पता है मेरा बेटा आज इलेक्शन लड़ रहा है फाइनली, तो वो खुश होंगे ऊपर से देख रहे होंगे, सभी जो गए हैं सारे हमारे बुजुर्ग खुश होंगे कि आज हमारे खानदान का नाम रोशन हो रहा है, ये सबकी सुनता है और सबके काम करता है, सबकी सुनता है, सबकी, ये नहीं है हमारे घर की सुनता है, घर में टाइम कम, बाहर वालों की ज्यादा सुनता है, हाँ घर में जो टाइम है वो कम देंगे ये, बाहर वालों की ज्यादा सुनता है, घर में तो टाइम मिला मिला नहीं मिला तो भाग गए, मगर जो कोई आया इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, वो किसी की नहीं, इधर बैठ रहो, आपकी भी आंखों में आंसू है, खुशी के हैं या गम के हैं? गम के भी हैं, खुशी के भी हैं, मिक्स इमोशंस है, मिक्स इमोशंस, चलो तो आती है ना, कोई बात नहीं, जो भी है मैं कहता हूँ अभी अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छा कर रहे हैं, लोग भी इतना प्यार देते हैं, तो अभी वैसे वक्त भी हमारे पास कम है, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं हो पाएगा, ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेके मुझे भी चुनाव के लिए निकलना है, बिल्कुल, मैम आ भी गए हैं, दही लेकर आप भी आ जाए, प्लीज़ बैठ जाए, बैठ जाए, यहाँ बैठ जाओ। तो सर मेरा दिनचर्या ऐसे ही शुरू होती है, दही चाय जो मिला थोड़ा सा खाया, बाकी यहाँ चुनाव के लिए जाऊंगा, लोग कुछ ना कुछ खिला ही देते हैं, तो अक्सर मेरा लंच लोगों के घरों में ही हो रहा है, क्या बात है, ये ज्यादा अच्छी बात है, लोगों के घर पे जाके लंच करेंगे ज्यादा मजा आएगा। तो मैम आप बताएं कैसा लग रहा है कि आपके पति MLA का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, रोज रैलीज वगैरह हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, मैं कह रही हूँ कि हमसे ज्यादा इनकी पूरी टीम वर्क कर रही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि वो अपने दिल से काम कर रहे हैं, हमें उन्हें कहना भी नहीं पड़ रहा है, वो खुद से काम कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब लोग इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई किसी के लिए नहीं करता, इनके लिए सब कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है पूरा उधमपुर ही इकट्ठा हो गया और इनके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उधमपुर गोशा भी इकट्ठा हो गया। हाँ जी, और एक चीज़ और बताऊँगी, इनका नाम गोशा है, और जब मेरी शादी होनी थी हमारे सारे रिलेटिव्स बोलते कि ये तो बहुत अच्छा इनका मेल हो रहा है,
कि मेरा निकनेम बब्बू है और इनका गोशा क्या बात है, बब्बू एंड गोशे की जोड़ी। वो बोलते फ्रूट बन गया है कि बब्बू गोशा। ये कहते तो भगवान ने लिख के जोड़ी भेजी है, ठीक है बब्बू गोशा, क्या बात है यार। हैशटैग निकले मेरे साथ, लेट हो रहा है, चलते चलते चलो। देर तो दवाई दे दूंगा। तो जाते हो, कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो माँ ही होती है, तो अपनी कहते दवाई भूल के पहले दवाई लेकर जा। कौन सी दवाई भूल गए थे? ये थोड़ा गला बैठ गया ना इनका, तो उनके थोड़ा ड्रॉप डाल के। तो रात को कहाँ ली थी? रात को दो बजे पहुंचना, कभी डेढ़ बजे पहुंचना है, तो माँ थोड़ी सो सकती है। माँ देखती है कब आता है, कब आता है, कब आता है। मैं पिला दूंगा, ठीक है, ये दवाई है ये मैं पिला दूंगा, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। तो घर से निकल गए हम, और इनकी पूरी टीम जो है अभी यहाँ पर आ गई है रोड पर, सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। और सबसे पहले आज कहाँ जाने वाले गोशे भैया? क्या हाल है? ठीक हो महाराज? मिलूं मैं? मिलो मिलो ना प्लीज। तो लोगों से मिलना मिलाना भी हो रहा है घर से बाहर निकलते ही। जैसे बाहर निकले थोड़ी भीड़ इकट्ठा होगी, फैन फॉलोइंग तो है आपकी। निकलते ही लोगों का प्यार है ये। फैन फॉलोइंग क्या प्यार है। अच्छा, तो आज सबसे पहले कहाँ जाने वाले हम? अभी मेरा यहाँ से सबसे पहले किसी हमारे जिब वाली साइड जा रहा हूँ, जिब में वहाँ पे किसी एक दो के घर में संजीव भाई शेरवा। सुमित मुगोत्रा। तो कहाँ जाने वाले पहले? जिब में। जिब में क्या? जिब में किसी अगर में एक डेथ हुई है वहाँ पे जाऊँगा। अच्छा। उसके बाद में जिंदाबाद। क्या गया भाई, क्या गया? तो पहली तरीके मोर की थैलानी है। तो फिलहाल सुमित मुगोत्रा जी के साथ हम निकलने वाले थे, लेकिन दवाइयाँ खाई जा रही हैं। गला स्टफिल्स भी है साथ में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है। सारे बनाइए रखे। कहाँ से आए हो आप मिलने के लिए? अपर चक्कर से। अपर चक्कर से क्यों आए मिलने के लिए? हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं और भरोसा है इन पे, ऐसी बात नहीं है। सुमित जी, इतने सारे लोग हैं मिलने के लिए आ रहे हैं, किसी को अटेंड कर पा रहे हो, किसी को नहीं, कहीं डर नहीं रहता कि यार किसी को अटेंड नहीं कर पाया बुरा मान जाएगा? सही में बताऊँ, इसी चीज का डर मुझे सताया जा रहा। मेरा अगर चेहरे पे कुछ कभी लगता है नहीं घबराहट, वो उसी चीज की है कि इतना जनसलाब आप देख रहे हो कि कितने आगे मीटिंग वाले लेट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेट हो गए, रास्ते में जगह जगह लोग रोकते हैं, मिलो ना मिलो वो नाराज, वहां पहुंचूं ये नाराज, ये बड़ा दिक्कत है। इसलिए थोड़ा सा डर का मुझे लग रहा है, लेकिन करूँ क्या। लेकिन सबसे ये कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं मिल पाऊं या फोन नहीं उठा पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सबको वापस कॉल करूं। और लेकिन लोग भी समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पता है लोगों को टाइम कम है, बिल्कुल, और इलाका बहुत बड़ा है, तो लोग भी कह रहे हैं सबको टाइम देना है। लोग भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना काम किए चलो, जीत हासिल करो, उसके बाद सारे बैठ के। जब आप मतलब एमएलए की टिकट आपको नहीं मिली थी, उससे पहले आपका मतलब दिनचर्या क्या रहता था? ऐसे ही कुछ सेम रहता था या क्या करते थे आप? देखिए, तब ये रहता था कि मैं सुबह उठ के 5:30 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक करने जाता था, उसके बाद 1 घंटा मैं जिम करता था। हाँ, ये मैं सही में, आपकी बॉडी एकदम फिट है ये, और जिम गोइंग है, मतलब रोज जिम जाते हैं। और मैं चाहता था कि आज भी सुबह जाएं तो एक अच्छा रहे, हम भी देख पाते, जनता भी देख पाते, लेकिन इनका शेड्यूल इतना टाइट है, रात को हो पाएगी जिम अगर देखेंगे? हाँ जरूर, है ना, जरूर जाऊंगा। जिम का जुनून है आपको? हाँ, जिम का जुनून इतना है कि मैंने 2001 में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया है। अच्छा, और उसमें मैं मिस्टर उधमपुर जो हुआ था कॉम्पिटिशन, 2nd प्लेस में आया था। क्या बात कर रहे हो। सो गोशा भैया मिस्टर उधमपुर भी है, बॉडी बिल्डर भी है, और नेता भी है, और सोशल वर्कर भी है, क्या बात है। और इसलिए मुझे क्रेज है कि मैं जीत के आऊं, और अपने खास तौर से मैं अपने नौजवान साथी युवाओं के लिए कुछ करके दिखाऊं। क्या बात है। तो आज रात को उम्मीद करते हैं कि शायद से अगर उतनी थकावट ना हुई तो आधा घंटा हम जिम करेंगे साथ में, मैं जरूर करूंगा इनसे। बट आप अपनी ओपोजिशन को किस तरह से देखते हो, क्योंकि आपके ऊपर तो आजकल टिप्पणियां भी कर रहे हैं आपके ओपोजिशन वाले। एक बयान बहुत ही वो सामने देखा गुप्ता जी ने किया मेरे ख्याल से, कि वो अपनी माँ के कोख से जन्मा भी नहीं था जब मैंने ये सब किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया है ये उनकी बुखलाहट है, ये इतने बुखला गए हैं कि उनको इतनी सी भी समझ नहीं रही कि किसी के बारे में, किसी के घर परिवार के बारे में क्या बोलना चाहिए। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, हमें पता है कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दों पे लड़ रहे हैं, ना कि किसी के घर परिवार पे। पर्सनल नहीं हो रहे। लेकिन अगर उन्होंने शुरुआत की है तो मुझे लगता है कि मेरी जगह मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो उनको अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और सबसे पहले जा रहे हैं जिप वाली साइड, आई थिंक वहाँ पर किसी के दुख में शरीक हो रहे हैं।
मातमदारी हुई है कहीं पर, तो कहते ना कि खुशी में तो हर कोई साथ ही होता है, जो दुख में साथ खड़ा हो तो वही असली यार है। और गोशा भी है तो यार वैसे भी सुन ही रहा हूँ मैं सबके। तो चलो फिलहाल चलते हैं। तो उधमपुर से एक घंटे की ड्राइव करके हम इस वक्त कैंबल डंगा नाम की जगह पर आए हैं, और कहीं पर डेथ हुई थी। अभी सुमित मंगोत्रा जी और गोशा भैया वहीं पर गए हैं परिवार से मिलने के लिए। एंड एक चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी, देखो अभी ना 12 बज चुके हैं और 12 बजे इनकी ऑलरेडी एक मीटिंग जो थी, वो पब्लिक मीटिंग प्रोग्राम जो था वो अरेंज था, लेकिन इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो किसी के दुख में शामिल होना समझा, मीटिंग कहते थोड़ी सी डिले कर लेंगे लेकिन पहले जो है वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो एक घंटे की दूरी ट्रैवल करते हुए खेतों के बीच में से रोड में फर्स्ट टाइम इस साइड आया हूँ, तो यहाँ पर गए हैं। अभी 10 मिनट अंदर वहाँ से मिलेंगे सबके साथ, उनको सहानुभूति देंगे, सहारा देंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वापस और पब्लिक मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करेंगे। सो कोशा भैया अंदर से होके अभी आ गए हैं। सुमित जी आपकी पब्लिक मीटिंग्स भी थी, उनको थोड़ा डिले करके उधमपुर से इतना दूर आना यहाँ पर आपने पहले ज़रूरी समझा, क्यों? यहाँ मैंने बताया था कि जब हम प्रचार शुरू करते हैं तो प्रचार और जनसभाएं से ज़रूरी है किसी के दुख में शामिल होना। तो मैंने बताया था यहाँ पे किसी के यहाँ डेथ हुई थी तो वहाँ हम अफसोस करने आए थे, तो ये चुनावी सभाएं तो चलती रहेंगी लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ दुख प्रकट किया तो इसके बाद हमारा चुनावी प्रचार शुरू होने जा रहा है। और जैसे मैं तो चलो जम्मू से हूँ, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, हमारे जो कैमरा अभी कर रहे हैं वो उधमपुर से, वो कहते हैं कि मैं भी इधर पहली बार आया हूँ, बट आप यहाँ पे आते रहते हैं मतलब इन सारे इलाकों में? जी, अपना अपना इलाका है, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा चलो फिर अभी पब्लिक मीटिंग्स की तरफ चलते हैं। तो अभी यहाँ पर चोपड़ा चौक के पास में ही आके सुमित मंगोत्रा जी बैठ चुके हैं, गोशा भैया, और लोग उनकी सपोर्ट में हैं यहाँ पर। गोशा भैया उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनकी दिक्कतें भी सुन रहे हैं, प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं, और उनसे वादे भी होंगे आज की, अगर गोशा भैया को वो जिताते हैं तो आने वाले टाइम पे वो वादे जो है वो पूरे करेंगे। तो गोशा भैया को सपोर्ट करने आए हो आप? हाँ जी हाँ जी, इस बार कांग्रेस को कर रहे हैं। पहले पहले किसको होता था? पहले बीजेपी को करते थे, इस बार कांग्रेस को, गोशा भैया को। इस बार मैं कांग्रेस को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो काम नहीं हुए हैं वो काम हमारे होंगे, पूरे करेंगे। सारी जनता भी इनके साथ है कि हाँ भाई, हर बार हम बीजेपी को देते थे, कमल के फूल को देते थे, और इस बार अगर थोड़ा सरकार चेंज करते हैं, और हमें चेंज भी चाहिए, लोगों को चेंज भी चाहिए, बहुत देर हो गई है बीजेपी के साथ है, इस बार थोड़ा चेंज चाहिए, अगर चेंज क्या होता है तो इस बार तो हम देंगे। आगे देखो गोशा भैया अभी ये यंगस्टर हैं, यंगस्टर को पता है कि आने वाली पीढ़ी जो ये जो नई यूथ है इसको कैसे सपोर्ट करना है, ये इनकी सबसे ज़्यादा है, इनको पता है सारा, क्योंकि ये खुद यंगस्टर है, इसीलिए हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो सलमैड़ी नाम की जगह पे पहुंचे अभी हम, और आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर गोशा भैया के साथ चलते हुए, और यहाँ पर अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि पूरा जितना भी यहाँ पर गांव है, ये इलाका है, यहाँ पर पूरा राउंड मारा जाएगा, हर घर पे जाके सबसे मिला जाएगा। जब इलेक्शन का टाइम होता है और प्रचार होता है ना, तो ऐसे ही नेता जो है हर जगह घूमते और सबसे सबकी परेशानियां जो है पूछते हैं। बट उम्मीद करते हैं कि गोशा भैया का जैसे नाम फिलहाल चल रहा है, सुनने में मिल रहा है, तो इलेक्शन के बाद भी ऐसे ऐसे ही रहेंगे फिलहाल। तो सपोर्ट करने आए थे इधर? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। गोशा भैया जी हाँ जी, कह ली कि अच्छा बंदा सारा कैंडिडेट जरा ना, दिन रात लोगों के काम बच्चे जड़े लगे रहते हैं। शैल गल लगती मतलब इंदे बारे? देखो रात कुछ हॉस्पिटल कोई परेशानी बनती है उत्थे भी आयर, कोई पानी की परेशानी है उत्थे आयर, कोई बिजली परेशानी बनती उत्थे आयर। ये केड़ा मंदिर है? नरसिंह मंदिर है। तो नरसिंह मंदिर में हम यहाँ पर फिलहाल, और यहाँ पर अंदर जाकर माथा टेका जा रहा है गोशा भैया द्वारा भी, बाकी लोग भी है, हम भी चलते हैं अंदर। आओ नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद मैं कहूँगा कि मेरे पे नहीं बल्कि पूरे समस्त देशवासियों पे बना रहना चाहिए। और आज हम यहाँ पे चुनाव का जो हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में आके माथा टेका है और आशीर्वाद लिया है। नरसिंह भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अच्छा एक पर्सनल फीलिंग आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जब भी नेताओं के साथ मैं ऐसे आमतौर पर डे आउट करता हूँ ना, तो नॉर्मल टाइम पे तो ठीक रहता है, लेकिन जब चुनाव प्रचार का टाइम होता तो तब बहुत भाग दौड़ होती है जिसमें कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो सही में लेकिन मुश्किल रहता है, हमें लगता ना कि प्रचार करना आसान है, इतना भी आसान नहीं है, नेताओं के लिए मुश्किल रहता है, दिन से रात तक नींद का ठिकाना नहीं, किसी चीज़ का ठिकाना नहीं। तो फिलहाल अभी आगे जा रहे हैं, वहाँ पर शायद से सारे लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर जाके बातचीत होंगी, वादे होंगे, परेशानियाँ सुनी जाएंगी, तो
चलते हैं। तो सलमैड़ी में आज बड़े सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आप देख सकते हो। फिलहाल तो सुमित जी को, गोशा भाई को जो है हार पहनाया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, और खास तौर पर लेडीज़ भी देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पे नीचे बैठी हुई हैं। तो मुझे लगता है एक डेढ़ घंटा तो यहाँ पर आराम से लग जाएगा, क्योंकि सबसे बातचीत होंगी, कई लोग फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, और कई लोग जो है अपनी अपनी दुख दर्द तकलीफें भी रखेंगे यहाँ पर। आओ यार कुछ लेडीज से बात करते हैं। तो सुमित मंगोत्रा जी की सपोर्ट करने आए थे? हाँ जी। क्या लीवल सर, थोड़ा चेंजिंग चाहते हैं हम। काफी देर का हम बीजेपी को सपोर्ट करते थे, पहले पैंथर पार्टी को करते थे, अभी 4 साल से हम बीजेपी के साथ हैं, और जो भी हमने काम बीजेपी को दिखाए वो हमारे नहीं हुए हैं, और हम चाहते हैं कि थोड़ी चेंज हो और हमारी जो जनता के काम है वो हो। तो अब जो है आप गोशा भैया जी को जो है सपोर्ट करने वाले हो? अब जो आप सुमित जी को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, अभी सुमित जी को हम, क्योंकि हम चेंज चाहते हैं ना, थोड़ा सा हाँ बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बात दे चुके हैं हम उनको भी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया यहाँ को। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखो हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ऐसे बेखज्जल हो रहे हैं यहाँ पे, गाँव में कोई आता ही नहीं है पूछने, कुछ ऐसे ही रहते हैं, पूछते कुछ है ही नहीं, आते हैं पूछने, ये तो पहली बार खड़े हुए ना। हाँ, ये पहली बार खड़े हुए, अब इनको भी देखेंगे, चेंज तो चाहिए ना, क्योंकि ये अच्छे बंदे हैं, जंग बंदे हैं, और हमें बुजुर्गों को क्या करना, उनके दिमाग भी खराब बाश है, उनका दिमाग भी बाश है, दिमाग क्या बांस है, बाश है उनका, अच्छा, जो बात सीधी करनी है उल्टी करते हैं वो। हाँ। ठीक है, कल बोल रहे हैं कि यहाँ एक पैंथर के बेड़िए इकट्ठे हुए हैं। हाँ। है ना, मंगोत्रा जी वो कह रहे हैं कि जब मैं उधर 75 करोड़ रुपया लगा रहा था, जब माँ के पेट में नहीं थे, अच्छा ऐसी बातें बोलते हैं, उनको क्या करना हमने, अच्छा बड़े बड़े शहर बनाए, 5-5, 6-6 साल बनाए, तो क्या बनाया, किस नहीं किया उन्होंने, किस नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई, इतने बच्चे नहीं थे उस वेल कोई बनाने वाला, जिस हिसाब नहीं इतने बच्चे गड्डियां फसदियां रही, असर घर आखिया कनाल बगैर आनी है, धक्के लाई लाई है, असें फटे लाई लाई है, फिर उस वे इतों का गड्डियां बच्चे कढ़ाइया, रोड भी नहीं ठीक, रोड भी नहीं है, इन्ने बच्चे सारे अपने जन्दे, लोगों ने जन्दे, गड्डियां जन्दिया। शाम के 6 बज गए हैं, लगातार एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पर थोड़ा थका हुआ फील नहीं कर रहे? देखिए आप पीछे देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए पीछे जन चलाव आ चुका है, नौजवान यूथ देखिए, थकावट इतना यूथ मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है, कोई थकावट नहीं। अगर ये यूथ आपको जिता देती है, कल को इनके सारे काम पक्का होंगे ना? मैं एक आपको ये बात सुनाता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ, यूथ ने जो मन बनाया है, काम जीतने के बाद क्या होंगे, 100% काम क्या होते हैं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन यूथ को पता है कि सुमित मंगोत्रा, यूथ की कोई प्रॉब्लम होगी 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहेगा, और इनके मसले हल करवाने के लिए दिन रात एक कर दे, फोन नंबर है ना गोशा भैया का सबके पास, सबके फिर कॉल कर लेना। तो रात के बज चुके हैं 9:30 और हमारे गोशा भैया दिन भर सारी जगह घूमकर फिलहाल तो ऑफिस में पहुंचे, लेकिन अभी भी इनका दिन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद 3-4 मीटिंग्स और है, अभी पता नहीं घड़ी नाम की जगह पर जाना है, और भी जाना है, और थोड़ी सी अगर मैं हालत देखूं तो यहाँ पर जो कुर्ता है, कुर्ते के ऊपर पिंक कलर चढ़ गया हुआ, ये किसका हार का है या किसका है, तो पसीना देख सकते हो कि निकला है, तो मेहनत हार का और लोगों के प्यार का, क्या बात है। तो आज का पूरा दिन देखा हमने, लोगों की सपोर्ट भी है, और खास तौर पर जो हम पहाड़ी पर वहां पर गए थे, जगह जहां पर नरसिंह मंदिर में भी गए थे, वहां के लोगों का ये कहना था कि हम इस बार चाहते हैं कि गोशा भैया को मौका दिया जाए, क्योंकि हम तंग आ गए पुरानी पार्टी से। तो क्या बोलना चाहोगे? देखिए सौरभ जी, आपने देख ही लिया आज जिस जगह, जिस गाँव में, जिस नुक्कड़ में मैं पहुँच रहा हूँ, और आप देख रहे हो कि बुजुर्गों का आशीर्वाद किस तरह से मुझे मिल रहा है, और युवाओं का, नौजवानों का प्यार और साथ किस तरह से मुझे मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको नौजवानों का प्यार देख के और मेरे कपड़ों का पिंक कलर देख के, जो हारों का और लोगों को प्यार का रंग देख के, आपको अभी भी लगता है कि कोई जीत में गुंजाइश बची है? इस बारे में तो जनता बेहतर बता देगी, लेकिन मैं एक अपनी जनरली एक चीज़ बताऊँ ना, एक तो इनका नाम गोशा भी है, प्यार से वो बुलाते हैं, और इनके साथ पूरी फ्रेंडली वाइब आती है कि ऐसा लगता है कल को एमएलए बन भी जाएंगे तो भी दोस्त ही रहेंगे, दोस्त रहोगे ना। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये जितने भी मेरे यहाँ पे मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त जो चल रहे हैं ना, ये बचपन के दोस्त भी हैं, और जो नए जुड़े हैं ना कुछ मेरे साथ, जो 4 दिन पहले, जो 4 घंटे पहले मेरे से जुड़ता है ना,
वो यही कहते हैं लगता है कि पता नहीं कितने सालों की दोस्ती है। तो मैं MLA बनूं, मिनिस्टर बनूं, जो भी बनूं, तो जैसे आपने कहा गोशा भैया बुजुर्गों का बच्चा रहेगा और अपने नौजवानों का भाई और दोस्त पहले की तरह हमेशा रहे। जितने भी लोग वैसे इनके साथ जुड़े हुए हैं ना, मैंने सुना भी जैसे ये हमारे भाई हैं, ये अपना बिजनेस बंद करके तो रोज इनके साथ चल रहे हैं। सही में ऐसी बात है भाई, ताकत आ गई है इनके साथ चलने की, पता नहीं कहाँ से आ रही है। रोटी जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ वहाँ खा खा के भी निकल जाते हैं और इनके लिए भूख भी छोड़ देंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हैं कि देख लो आप, ये पूरा ऑफिस भरा हुआ है, ऐसा ऑफिस आपको BJP का वहाँ पे खाली दिखेगा। उस बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैंने पूरा दिन इनके साथ बताया और इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, डाउन टू अर्थ और फ्रेंडली वाइब है और यंग है, पढ़े लिखे हैं, मिस्टर उधमपुर भी रह चुके हैं, बॉडी भी इनकी तगड़ी है, रोज जिम भी जाते हैं सुबह सुबह, तो ऐसे लीडर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आप अपना प्यार जो इनके लिए कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं, बट फिलहाल आज के इस एपिसोड का करते हैं अंत, मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और नेता के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।